इंदौर की पलासिया पुलिस ने 4 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने एक महिला के घर में घुसकर मारपीट कर घर में आग लगाने का प्रयास किया था। वहीं बताया जा रहा है कि मामले में मुख्य आरोपी के महिला के साथ अवैध संबंध है। पुलिस के मुताबिक आरोपी रोहित ने बीते दिनों एक महिला को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वहीं रोहित ने अपने साथी विजयकांत, पवन यादव और सागर मराठा के साथ मिलकर होटल कंचन तिलक में तोड़फोड़ कर उत्पात मचाया था। पुलिस के मुताबिक ये चारों आरोपी नशे की लत में शहर में वारदातों को अंजाम देते थे। गुंडों के विरुद्ध अभी लगातार जो कार्रवाई की जा रही है उसके तहत 4 ऐसे बदमाशों को पकड़ा गया है जो लगातार आपराधिक वारदातें कर रहे हैं और लोगों को डरा धमका करके और आगजनी जैसी घटनाएं और यहां तक कि महिला संबंधी अपराधों में भी उनकी संलिप्तता पाई गई थी। इसमें जो कुख्यात बदमाशों को पकड़ा गया है उनका थाना पलासिया में अपराध क्रमांक 332/19 ये 436-354 के तहत पंजीबद्ध हुआ था। इसमें रोहित पिता राजू मराठा पलासिया क्षेत्र में ये विनोबा नगर के एक घर में इसने घुस करके आगजनी और महिला के साथ में मारपीट और छेड़छाड़ करके ये फरार हुआ था। इसके संबंध में गहराई से तस्दीक में ये जानकारी प्राप्त हुई कि रोहित मराठा अपने अन्य साथियों सागर मराठा, विजयकांत शुक्ला और पवन यादव के साथ मिल करके इस तरह की इसने वारदात को अंजाम दिया है।